बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। 403 सीटों के लिए अब तक 300 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, जिसमें कुल 86 उम्मीदवार मुस्लिम हैं, बाकी 66 दलित प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। दरअसल लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के विधायकों और उम्मीदवारों के साथ बुलाई बैठक में 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इस लिस्ट में 27 मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह मिली है, वहीं 22 दलित उम्मीदवार शामिल है। इसी के साथ मायावती के घोषित उम्मीदवारों की संख्या अब 300 पहुंच चुकी है, जिसमें कुल मिलाकर 86 उम्मीदवार मुस्लिम हैं, 66 दलित प्रत्याशी हैं, तो वहीं 106 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि मायावती इस बार मुस्लिम वर्ग को टिकट देने के मामले में अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ सकती हैं। पिछली बार 403 सीटों में से मायावती ने 86 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जबकि इस बार 300 की लिस्ट में ही वो आंकड़ा छू लिया गया है और फिलहाल 103 उम्मीदवारों की लिस्ट आनी बाकी है। बैठक में मायावती ने पार्टी को अनुशासित पार्टी बताते हुए यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। इसके साथ ही मायावती ने एसपी और बीजेपी दोनों पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को गरीब लोगों की परेशानी बताया, तो वहीं सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश राज में यूपी में कोई विकास हुआ ही नहीं। आपको बता दें कि यूपी में कुल 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 11 फरवरी को होगा, जबकि अंतिम चरण का मतदान 8 मार्च को होगा। इसके साथ ही 11 मार्च को सभी 5 राज्यों के नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल बीएसपी की चौथी लिस्ट आनी बाकी है, लेकिन बीएसपी ने 403 सीटों में से 300 सीटों पर 50% सीटें दलित और मुस्लिम उम्मीदवारों को दी है। अब देखना बाकी है, दलित और मुस्लिम वोट मायावती को प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता पर बैठा पाते हैं या नहीं। देखते रहिए टीपी लाइव।